नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा। तो बात ऐसी कि आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ। चलती चलती वीडियो शेयर कर दो उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करो जिनको अभी तक बढ़िया सा लेसन नहीं मिला। बहुत से लोग ना मुझसे एक बात पूछते हैं कि सर रियाज कैसे करते हैं, और हमारा रियाज में ना मन नहीं टिकता, तो मन टिकाने का तरीका बताओ और रियाज को लंबे समय तक कैसे करना है वो बताओ, और कुछ गला सुधारने के उपाय बताए। तो भाई जिनका रियाज में मन नहीं टिकता तो वो क्या करे, रात को सोने से पहले सिरहाने के साथ तानपुरा रखकर सोए, सुबह उठकर ऑन कर दे। आप ना एक दिन करोगे इग्नोर, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन, सात दिन, आठवें दिन ना भाई आप पक्का रियाज करने बैठोगे। साज को ना अपने से दूर मत रखना। वो क्या है कि साज अगर आपके पास रहेगा ना तो आपका साज बजाने का दिल करेगा। अब रियाज को लंबे समय तक कैसे टिकाना है वो तरीका बता रहा हूं। जिन लोगों का रियाज में मन नहीं लगता ना, तो वो पिछला टेक्निक शेयर की है वो अजमा कर देख लेना। आप जरूर रियाज करो। सुबह 4:30 बजे उठना है, आपने हारमोनियम पर सा निकाल लेना है ग्राम का, तानपुरा ऑन कर लेना है, सेम स्केल पर सा निकाल लेना है, सा प्ले करना है और सुर मैच करवा के अपने माहौल बनाना है, ठीक है, तानपुरे का। फिर उसके बाद आपने राग भैरव का माहौल छेड़ देना है। तो क्या है कि सुबह राग भैरव खिलता बहुत है, आपने स्वर विस्तार गाना है, ठीक है, बंदिश गानी है, सारी अलाप ताने गानी है, और आपने खुला रियाज करना है। सारा अलाप तान गाकर आपने खुला रियाज करना है, कोई ताल के साथ रियाज नहीं करना। आपका रियाज है कैसे भी करो, पर करो, थोड़ा सा मन पक्का करो, थोड़ा सा ढीठ बन जाओ, है ना मेरी तरह। मैं कैसे रियाज करता हूँ, सारे साज खुले हुए एकेडमी में, सामने लेसन लिखा हुआ है, उसको पढ़ता रहता हूँ। हर 5 मिनट बाद प्ले करता हूँ, फिर घूमता हूँ, प्ले करता हूँ, घूमता हूँ, सारा दिन ऐसे सिलसिला चलता रहता है। मतलब कि ये भी एक रियाज करने की टेक्निक है। पर जो सुबह रियाज करते हैं वो भाई बिल्कुल टाइमिंग में होना चाहिए, इधर उधर नहीं, भटकना नहीं है, तो बैठना है तो बैठना है। सा लगाओ, स्वर विस्तार गाओ, बंदिश गाओ, अलाप गाओ, तान गाओ, खुला गाओ, बिना ताल में गाओ, ठीक है, पर गाओ, आकार लगाओ, ठीक है। तो भाई ऐसे आपका रियाज की टाइमिंग बढ़ जाएगी। उसके बाद गला सुधारने का उपाय बता रहा हूँ। आपने सुबह उठ के ब्रश करना है और जीभी के साथ जीभ को साफ करना है। आपने गर्म पानी से गरारे करने हैं, ठीक है, नीम का भी गरारा कर सकते हो, आप दुशांदे का भी गरारा कर सकते हो, दुशांदे को उबाल कर उसकी चाय भी पी सकते हो, है ना, इलायची खाओ। तो ऐसे करते करते आप गला सुधार सकते हो। एक नुस्खा और बता रहा हूँ, अपनी आवाज को परखने का तरीका बता रहा हूँ। आपने एक घड़ा लो, उसको काट दो, उसमें 2 छेद कर दो, सिर में अटका लो और नीचे हारमोनियम का सा लगाओ, और घड़े में आपने सा बोलना है, आपको ना आपके सुर प्रॉपर सुनाई देंगे। तो ये भी एक रियाज है, ठीक है। कई लोग क्या करते थे पुराने टाइम में, नदी में खड़े होकर यहाँ तक सा का रियाज करते थे, और बाहर हारमोनियम वाला हारमोनियम बजाता था और नदी में खड़े होकर राग गाते थे। तो ऐसे थोड़ा सा कुछ रियाज के टेक्निक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी कोशिश पसंद आएगी। कुछ गलत बताया तो माफ कर देना। जाते जाते नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।